आगे हमारा YouTube पेमेंट, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद YouTube और साथ में आप सबको भी। ये हमारा मेहनत का पैसा है। कितना पैसा है मैडम जी, वो हम घर जाकर बताएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। अभी नहा धोकर हो चुके हैं, पूजा पाठ भी कर लिए हैं क्योंकि होली बहुत नज़दीक आ रहा है। उससे पहले एडवांस में आप सभी को हैप्पी होली। और एक साथ साथ कहते हैं ना कि जब खुशी का त्यौहार होता है ना, जब गुड न्यूज़ मिलती है तो बहुत बड़ी न्यूज़ है समझिए तो हमारे लिए। और दोस्तों आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, जिसके लिए हमें बहुत सारी तैयारियाँ भी करनी है। और इधर हमारे दोनों बेबी लोग कर रहे हैं मस्ती इधर। हेलो दोस्तों, मेरा पानी खत्म हो गया है इसलिए ड्राम बांध कर गाड़ी में छोड़ दिए हैं, जाएंगे और पानी लेके आएंगे। सबका अलग टेंशन है गाइस, हमारे प्रदीप जी को अलग टेंशन है। बताइए पानी, पानी कितना अनमोल हो गया है हमारी लाइफ में। और इनका भी चल रहा है मस्ती। और आज आपको बताते हैं ना, टाइम ज़्यादा हो गया, सिर्फ सब्जी बना के हम छोड़ दिए थे। इधर देखिए सवा 11 हो गया है और हम लोग दोनों सिर्फ चना और सेब खाए हुए हैं। और अभी किचन में सिर्फ सब्जी बना के रखे हैं, आटा गूंद के रख लिए हैं, अभी रोटी बनाए भी नहीं हैं। और सब्जी हमारा बन के रेडी हो गया था क्योंकि बाबू कर दिए थे पोटी, तो हम सोचे कि फटाफट से पहले हम सब सब्जी बना रहे थे तभी बाबू पोटी कर दिए, फिर बाबू को धोना होना, फिर कपड़ा सारा धोना, उसके बाद नहा धो के पूजा कर ही लेते हैं। तो अभी टाइम देख रहे हैं 11:15 को है, सॉरी 11:01 हो गया और अभी तक हम लोग नाश्ता नहीं किए हैं। मैडम जी मतलब क्या कर रहे हो आप? क्या कर रही हूं? क्या कर रहे हो आप? कुछ भी नहीं, मतलब नाश्ता भी क्या करेगा, 12 बजे करेगा, क्या दिक्कत है? तो कभी कभी लेट से करना चाहिए नाश्ता। काहे बाबू को अच्छा से लीजिए, अच्छा से लीजिए बाबू को, अच्छा से कोई दिक्कत नहीं, इसको मस्ती कर रहा है ना, छोड़ो सब फटाक से नाश्ता निकालो और चलो। तो मुझे ना एक से एक बड़ा सरप्राइज मिल रहा है हस्बैंड की तरफ से, तो भगवान करे हर जन्म में मेरे पतिदेव जैसे ही मिले। आपको दिखाते हैं एक और चीज, हम लोग कल शॉपिंग कर दिए थे, दिखाइए जी। हाँ कुछ दिखाना है, ये देखिए। अरे तो हम लोग दिखाए, अच्छा नहीं दिखाए, नहीं दिखाए थे, नहीं दिखाए थे क्योंकि हम लोग ना उसमें सस्पेंशन में थे कि हम लोग ले कि नहीं ले। और मुझे इसमें की जो अंगूठी था ना चांदी वाला, उसको एक्सचेंज करा के तब इसको लिए हैं। तो मतलब कुछ लोग बोल रहे थे कि ऐसा ले लीजिए, पहनना चाहिए वो कछुआ, तो पता नहीं क्या है, बट आप सब बताइएगा कि क्या ये सही है कि नहीं, इस हाथ में पहनना चाहिए कि नहीं। तो चलिए फटाफट से पहले कर लेते हैं हम लोग नाश्ता और उसके बाद हम लोग को जाना भी है कहीं। नहीं बात है ना कि ये जो पहले अंगूठी पहने था ना, सिंपल था, उसमें कुछ भी नहीं था, था मोर का डिजाइन था, वो हमको ना नहीं मिला था मुंह दिखाई में, शादी के टाइम का था, पहनना चाहिए। हाँ तो भी पहन सकते हैं, तो नहीं पता है। और हमारे बड़े वाले पता है अभी क्या कर रहे हैं, कुर्सी पर खुद से बैठ कर मस्ती से एकदम झूल रहे हैं, उनको नाश्ता करा दिए थे हम। क्या कर रहे हो आप? बस हो गया, मतलब मेरा कुर्सी छिना रहा है अब, और कुछ दिन में शायद हमको अब मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जब बड़े हो जाएंगे ना तो कहीं पापा हम इसी पर बैठ कर पढ़ाई करेंगे, फिर ये बड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी हो चुका है दोपहर का टाइम और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, हवा भी बहुत तेज चल रहा है। देखिए किससे हवा चल रहा है, हमारा प्लास्टिक से आप अनुमान लगा सकते हैं कितना हवा तेज चल रहा है। और बाबू देखिए ट्रैपोर्ट बाहर ले जाकर छोड़ दिया है। और इसका बाद मासी जानते हैं ना, दिन भर मतलब चलते ही जा रहा है। देखिए यहाँ मुँह में क्या भी लेकर, अभी चौनप्रस भी, चौनप्रस खाने का टाइम है, आप ही सब बताइएगा। और बेड का देखिए धज्जियाँ बना के रख दिया है। तो अभी जा रहे हैं ना हम अपने हाथ में मेहंदी लगाने के लिए। नहीं 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 नहीं, देखिए 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 कैसे छीन रहा है। अच्छा अच्छा अभी तुरंत आपको लगा देंगे, लगा दे रहे हैं। तो चलिए पहले सिंपल से मेहंदी लगा लेते हैं। लगाइए लगाइए, हाँ देखिए कैसे लगाता है बाबू। अभी डोग पापा गए हैं पानी लाने के लिए, पानी बिल्कुल भी नहीं था, सोचिए कि पानी उन्हीं ले आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग को कहीं जाना भी है। आप सभी जानते हैं होली बहुत नज़दीक आ ही गया है समझिए, तो उसके लिए भी बहुत सारी तैयारियाँ भी करना है, जो बन पाएगा हम करेंगे। और सासू माँ भी चले गए हैं गांव, हम लोग को उनसे बात हुई थी, तो गांव हम लोग को भी जाना है, देखते हैं कब निकलेंगे गांव, ऐसे कंफर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी घर देखना जरूरी है। तो देवर जी और सासू माँ सिर्फ गए हैं क्योंकि घर में पूजाई वगैरह होता है ना, तो इसीलिए, और हम लोग को जो बन पाया हम लोग उनके लिए किए। और माँ गई हैं तो फिर जिस दिन पूजा होगा उस दिन सोचे हम लोग जाने के लिए, पता नहीं जा पाएंगे नहीं। पिए नहीं पीछो मैडम जी, यहाँ पर कुर्सी तोड़ रही हैं और आज सोच रहे हैं ना, कुर्सी कहाँ तोड़ रहे हैं जी? तो कुर्सी बैठा ना, वही मेरा कहना हुआ। नुकिया मेहंदी लगा दिए,
और इसमें हम लोग दोनों का नाम भी लिखा हुआ है। जहाँ दोनों साथ में मिलकर हर काम करते हैं तो फिर बिजनेस क्यों रहना। तो चलिए आज आपके मतलब शुभ हाथों से शुभारम्भ। क्या शुभारम्भ? पैसा निकालेंगे। वो तो आप भी कर सकते हैं ना माय डियर हस्बैंड जी। नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखिए होता क्या है ना दोस्तों कि मैडम जी का अगर हाथों निकले तो बात अलग हो जाती है, क्योंकि घर के लक्ष्मी लोग बोलते हैं कि होती है, इसके चलते हम सोचे थे इनके हाथों से निकल जाए तो बढ़िया है, और इस बार थोड़ा सा बढ़ के आया है। तो सर आप सबके सपोर्ट कर तो जरूर बताइए हम सबके कितना आया है। तो फिर पहले पपीता खा ले, इस बार फटाफट निकले। ठीक है रेडी पे निकलते हैं। रेडी क्या होना यार, चलो इसी में कुछ रेडी नहीं होना है। अच्छा तो है, इसमें क्या खराबी है? कुछ लोग कहते हैं आपके ऊपर बिल्कुल ड्रेस सूट नहीं कर रहा है। कहने वाला कहते रहे ठीक ना, और सुनने वाला ना सुने। मेरा कहना है दोस्तों ना, सॉरी माफ कीजिएगा, जो आदमी गलत सोच रखता है उसको आप कितना भी कुछ कर लो ना तो सही हो नहीं सकता है। इसलिए अगर ये बढ़िया पहनेंगे तब भी आप लोग वही कमेंट करोगे, अगर ये पहन रहे तब भी आप लोग वही कमेंट करोगे। इससे बढ़िया है कि चलो जो है सही सही। किस बात की खुशी? नहीं पता हमको, नहीं सुनो। सबसे ज्यादा वो खुश है, ये देखिए खुशी में क्या कर रही है। चलो बाय बाय। तो पता है कि पैसा निकलने जा रहे हैं। चलो चलो घुमा देंगे, चलो आपको भी घुमा देंगे बेटा थोड़ा सा। तो लॉक कर दे, लॉक कर दे। चलिए खैर ऐसे भी ये खुशी हम लोग को दो महीना कभी एक महीना के बाद देखने को मिलता है, इसलिए खुशी तो जाहिर करना बनता है। और ये भी सोच रहे चलो आज अच्छा है मौका कि हम भी खुशी ले। हम चाहते हैं ना कि हम हर मंथ ऐसे ही खुश रहें, बट आप सबका प्यार और सपोर्ट चाहिए गाइस। दोस्तों आए हैं एटीएम में और रूबी को इतना बार सिखाया कैसे पैसा निकालना है, लेकिन अभी भी क्या बोलते हैं कि निकालना नहीं जानते हैं। तो कैसे निकालेंगे आप? नहीं पता, ऐसे डालें? हाँ डालो। अब इतना गाते गाते डालते हैं लगता है कि यहाँ देखा है। अभी रुक जाए बाबा, चलो को सिखा ही देता हूँ आज। ऊपर बटन प्रेस करो। हाँ तो दोस्तों फाइनली हमारा निकल गया पैसा। ये हमारा मेहनत का पैसा है। कितना पैसा है मैडम जी? वो हम घर जाकर बताएंगे। बहुत खुशी, मतलब कहते हैं ना कि पैसा आकर बहुत खुशी होता है, इस चीज़ का लोग पहले से बहुत पहले से इंतजार रहता है। हमारी मेहनत जो होता है ना इसमें वो रंग लाती है, और मुझे उससे ही बढ़कर आया है, इसलिए इतना ज़्यादा मैं खुश हूँ और थोड़ा इमोशनल हो गई, क्योंकि हस्बैंड जी ने मुझे इतना सारा प्यार दिया। वो मेरे हाथों से मेरे पैसा, मतलब कहते हैं माता लक्ष्मी आई है हमारे घर। चलो हो गया, बस ज़्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और बाबू सो गया है गोदी में हमारा, खड़ा खुश निकलो। बड़े वाले यहाँ पे हैं, उनको डर लगता है। और चलो हो गया ना, तो लक्ष्मी आपका पॉकेट है, ये है सब कुछ मिल गया है। तो मेरे पॉकेट में चैन नहीं है, गिर जाएगा तो इतना मेहनत से आया है पैसा, तो कैसे करें। चलो चॉकलेट ना दुकान में आया, ये सीधे चॉकलेट में भिड़ गए। लग जा रहा अंकल डांटेंगे। खाना मना है ना आपको? मुझे ये कौन सा खाना है? इधर 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 आजा, इधर आजा। कौन सा लेगा? कौन सा पार्ले? पार्ले ये नहीं, चॉकलेट छोड़ के जो लेना है ले, इधर लो, इधर देखो कौन सा लेगा। रसमलाई खाना है? रसमलाई खाएंगे का? खाएगी तो खाएगी, रसमलाई खाएंगे का? कुछ थोड़ी कर रहा बाबू, कुछ नहीं कर रहा है लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना। देखिए अंकल दे दिए खाने के लिए, खा रहा है। तो उसका काम ही का है। मेरे हाथ में खजाना, और जिसको चुमना चुम के ले ले। नहीं नहीं मेरा बेटा से बड़ा कुछ नहीं है। देंगे बेटा, आइए बैठी, आइए बैठ जाइए। माँ देगी बेटा, माँ कैसे नहीं देगी बेटा। वाह रे वाह, दोनों माँ बेटा अपना साइड ले लिया, हम बच गए अकेले, मेरा कोई साथ नहीं। आप वहाँ पे खा लिए थे मीठा, तो एक मेरे लिए है और एक बाबू के लिए। वो खाएगा वो, क्या है मेरा। तो सबसे पहले हमारी प्यारे YouTube फैमिली, आप सब भी आ जाइए हमारे साथ मुंह मीठा करने के लिए।
तो ये है वो पेड़ा जो कि बहुत अच्छा लगता है उनके यहाँ का पेड़ा हम लोग को, तो सोचे कि यही ले लेते हैं मीठा में, और ऐसे तो जल्दी रसगुल्ला खाते नहीं हैं। तो दोस्तों वो मीठा सबसे पहले हमारे वो छोटा सा ना चाटा बजा है डूब को, सीधे बोल रहे हैं मार दी मम्मा। ये चाहिए आपको कुछ भी नया चीज़ लाना है तो पहले इनको चाहिए, इसके बाद ही कुछ हो सकता है। और इनको ये लग रहा है कि इस प्लास्टिक को पता नहीं क्या है नया चीज़ जो शायद अच्छा लगेगा खाने में। तो आप सब देखिए इनका बहुत दिनों बाद चॉइस बना है आज खाने को, वो भी रस मलाई। तो दोस्तों खूब मस्ती हुआ और ऐसे में ये भी खा लिए, अपना जो लाए थे हम भी खा लिए। आज बहुत दिनों के बाद मीठा खाए हैं, मज़ा आ गया। और आप सबको भी खिलाए ना तो अंदर आत्मा में जो है ना थोड़ा सा संतुष्टि सा लगा कि चलिए आप सबको भी मुँह मीठा करा दिए कहीं ना कहीं। साथ में मुँह मीठा कराए हैं, गाली भी बहुत पड़ेगा। नहीं नहीं गलत बात नहीं बोलते हैं। देखिए जो आदमी का सोच सही रहता है ना, और जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, किसी और के बारे में अच्छा सोचते हैं, वो कभी भी गंदा कमेंट नहीं करते हैं। लेकिन जिसका सोच ही ख़राब है, जिसकी माइंड में हर समय क्या बोलते हैं होता है ना कि घर के उलझन हमारे प्रति लोग ठूंस देते हैं, वही चीज़ हो जाता है। और जब उस टाइप का आदमी कमेंट करता है तो खुद को समझ में नहीं आता उसको कि हम क्या लिख रहे हैं, तो क्या बोल सकते हैं उस आदमी को। खैर छोड़िए, बहुत खुशी का दिन है तो बस एंजॉय कीजिए, और आप सभी खूब एंजॉय कीजिए होली में, क्योंकि होली फेस्टिवल भी है, सब कोई खुश है। और मतलब सही वक्त पे हमारा पेमेंट भी आ गया और हम होली बहुत अच्छे से मनाएंगे। कहाँ पे मनाएंगे ये खुद को नहीं पता है, हो सकता है गाँव भी जा सकते हैं, सास माँ चले गए जैसे मैंने आपको ब्लॉग में बताया भी था। तो बस, और हाँ हम लोग को पेमेंट को लेकर आप सब कुछ लोग हैं जो कमेंट करते थे कि दीदी इस पर पेमेंट आया कि नहीं, कितना आया पूछते हैं, तो उन लोग के लिए बता दें बस वही पेमेंट आया जो हम लोग का आता था रेगुलर, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा बढ़ कर आया है उसे समझिए, एक दो मतलब बढ़ के आया है, बस थोड़ा मोड़ा बढ़ के आया है, बस यही खासियत है। और हाँ दोस्तों आप सबके हो सकता है कि कितने लोगों को इसके प्रति जो है ना क्वेश्चन और बहुत सारा मिल जाए कहने के लिए, लेकिन हाँ जिनको जो कहना है कहें, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर आप सबके बदौलत जो कुछ हमें मिला है इसे सब इनके गाली में ही आप सबका प्यार छुपा हुआ है, मुझे ये चीज़ पता है, क्योंकि आप सब इंतज़ार करते हमारे ब्लॉग का, और गाली भी देने के लिए जिगर होना चाहिए, तो आप सब दिल खोल के हमें गाली देते हैं, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ जिनको भी ब्लॉग पसंद आया होगा ना, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। और आज के वीडियो यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।